नमस्कार दोस्तों, आज का व्लॉग एक्चुअली हिंदी में आएगा क्योंकि जिनके लिए हम व्लॉग बनाने वाले हैं उनको शायद से मराठी समझ में नहीं आती है। तो ठीक है, एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए फिर बात करेंगे। अब देख तू जरा भी बहुत अच्छी लग रही है, किसकी है? तो भाई दर्शन हुए कंप्लीट, अब जा रहे हैं वापस। लेकिन एक चीज है यहाँ पे मैंने देख ली, यहाँ पे सुसु करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, मैं चाय की दुकान पे रुके, हमने कहा दीदी यहाँ पे है सुसु करना, पहले से देखा किसको करना है मुझे, एक गणेश जी तरह भैया को सुसु करना है। आपको किसी को करना है? आपको विकास इधर आ, भैया को सुसु करना है। मुझे लग रहा है सिर्फ मुझे ही आती है, मतलब इतने सारे लोग हैं, कौन कहाँ करता है? उसने किसी और को बुलाया, कहता आप मेरे साथ आइए, कहीं ले गया घर पे ले गया, कहता चाबी नहीं है सॉरी, फिर कहीं और ले गया गली गली से होटल ले गया, वहां पे कहता है 50 रुपए लगेंगे। मैंने कहा हट, अगर 10 बारी सुसु करनी हो तो आदमी 500 रुपए रख ले सुसु करने। जो अभी आपने वीडियो देखा वो 7 दिसंबर को हुआ, अपलोड हुआ था यूट्यूब पे, ओनली प्लेस इन इंडिया उसका टाइटल था, वो फ्लाइंग बीस्ट, मतलब गौरव तनेजा के यूट्यूब पेज पे आपको ये वीडियो भी मिलेगा। फ्लाइंग बीस्ट जब शिरडी में आए थे तो उनको टॉयलेट के लिए खाली 50 रुपीज़, खाली नहीं बोल सकते, खाली खाली टॉयलेट के 50 रुपीज़ मांगा था। मीन्स लाइक सीरियसली इट्स एन शेमफुल एक्ट एंड वी आर रियली सॉरी गौरव तनेजा, मतलब फ्लाइंग बीस्ट, वी आर रियली सॉरी सर फॉर दिस शेमफुल इंसिडेंट्स, और होप कि अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा, सो प्लीज़ वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। और अभी मैं सब ये जो व्लॉग देख रहे हैं कोई शिरडी से, शिरडी के बाहर से भी होगा, जो भक्त शिरडी में आने वाले हैं उन सबको यही बोलने वाला हूँ कि मतलब ऐसा किसी भी ट्रैप में मत आइए, क्योंकि ऐसा बहुत लोग हैं जो कुछ भी पैसे मांगते हैं किसी भी छोटी बात के लिए, थोड़ा अपना वीक पॉइंट देख के कुछ भी पैसे मांगते हैं। यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, कोई ऐसा होगा जिसको बहुत पैसे की ज़रूरत होगी और नहीं तो बहुत लालची होगा, इसकी वजह से उसने ऐसा किया होगा। मतलब सीरियसली हमको नहीं मालूम अभी किसने किया क्या किया, पर ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सिर्फ पैसा 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 चाहिए, उन लोगों ने शायद से ये किया होगा। और यहाँ के जो सभी मतलब है जो प्रॉपर लोग जो प्रॉपरली बिजनेस करते हैं, दे आर टू डेडिकेटेड टू देयर बिजनेस, वो मतलब ऐसा भक्तों के साथ ऐसा तो नहीं करेंगे, पर अभी जिसने ये किया है वो अभी मालूम नहीं है। तो लाइक अगर हमको मिलता है तो हम उस पर लाइक लेंगे, एक्शंस लेंगे, स्ट्रिक्ट जो भी होगा वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे, क्योंकि लाइक ऐसा टॉयलेट के लिए 50 रुपीज़ मांगना इज़ नॉट गुड, इट्स टू शेमफुल। ठीक है, लाइक यू कैन आस्क फॉर 1, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, वो जो कुछ भी है क्लीनिंग चार्जेस वगैरह, वो वहाँ पे आदमी वगैरह रख के उसको पेमेंट देना पड़ता है, तो ये ठीक है। पर ये बहुत हुआ, मीन्स लाइक ठीक है, बहुत जगह पे मैंने ऐसे देखा है कि 1-2 रुपए लेते हैं टॉयलेट के लिए, क्योंकि वो जो वहाँ पे क्लीनिंग करते हैं तो उसको उसको देना पड़ता है कुछ मंथली पेमेंट, तो इसकी वजह से 1-2 रुपीज़ लेते हैं वो, ठीक है, बट ही आस्क्ड फॉर 50 रुपीज़ जस्ट टू डू टॉयलेट। मीन्स लाइक सीरियसली अभी अभी क्या बोल सकते हैं, अभी बाद में बोलते हैं कि रास्ते पे खड़े हो जाते हैं, इधर खड़े हो जाते हैं, उधर खड़े हो जाते हैं। अगर गौरव तनेजा मतलब फ्लाइंग बीस्ट सर ने ऐसा किया रहता तो फिर बाद में क्या बोलते हैं, नहीं ऐसे रास्ते पे कर दिया ये वो ऐसा कर दिया, और जब टॉयलेट में जा रहे तो 50 रुपीज़ मांग रहे। मीन्स लाइक सीरियसली दिस इज टू शेमफुल, वी आर रियली सॉरी गौरव सर, वी अपोलोजाइज फॉर इट एंड होप अगली बार, अगर अगली बार जब आप आएंगे तब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, यू आर रियली सॉरी। अभी शिरडी के सभी लोगों को जिनका होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई बाकी का कुछ है, उन सबको यही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि प्लीज़ अगर आपके मतलब आपके किसी होटल पर, रेस्टोरेंट पर, अगर और किसी जगह पे आपके कुछ ऐसे लोग होंगे तो प्लीज़ उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स जब होते हैं, ऐसे बड़े यूट्यूबर्स अगर ये यूट्यूब पे डालते हैं, अभी वो वीडियो आई गेस 1.7 मिलियन उसको व्यूज़ है, मतलब उतने लोगों ने ये सब देखा, उनका थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग शिरडी की तरफ थोड़ा अलग हो गया, बाहर के मतलब जो बाहर कुछ चलता है मंदिर के बाहर, उनका वे ऑफ थिंकिंग उसके बारे में थोड़ा अलग हो गया, ये निगेटिविटी फैलाता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए जिसकी वजह से यहाँ पे जो आने वाला क्राउड है वो कम हो जाए। मतलब सबको पैसा कमाना है, सब बिजनेस करते हैं, पर वो कुछ लिमिट में, तो प्लीज़ ऐसा शेमफुल एक्ट प्लीज़ मत कीजिए। जिसने किसने किया होगा वो प्लीज़ अगली बार ये मत कीजिए। मतलब दो दो पर्सन्स की वजह से पूरा शिरडी बदनाम हो रहा है आज,
दो लोगों की वजह से आज पूरा शिरडी बदनाम हुआ, तो प्लीज़ ये मत कीजिए, प्लीज़ इट्स एन काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ ये मत कीजिए।